दोस्तों ये करेट साफ है, कॉमन करेट नीचे आप दाब दीजिएगा ठीक है। बुरा नहीं उठाया था हमको कहे बोले। अरे नहीं तो अपने करो हट हट पको हट वहाँ से तो हट। लाइट लगाइए भैया लाइट दिखा दो एकदम सॉलिड वाला वो हुआ लाइट। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग गौरीपुर आए हैं, गोलीपुर है हलालपुर और यहाँ एक सांप है। लोगों ने देखा है सांप कहाँ है? यहीं पे बैठा हुआ था। यहीं है ये है पूरा हटाना बैठा हटाना पड़ेगा यहाँ नहीं इधर नहीं चल गिरेगा ये हटा कुल हटा ये हो वो पूरी बाहर जाते हैं वो जेस चले एकदम कह लिए हम दबा दो इसम निकालिए कालिए दबा के रखो लेकिन इसीलिए आपको फोन किए है तो इसीलिए कहा छोड़ दो अभी नजर खाली धरे हुए थे हम लोग। हाँ तब भी आता कुछ खाली दबा हटा रहा हूँ आप कहीं घुसेगा खाली ऊपर ध्यान रखियो नूनू रुक रुक गोला नहीं हो पहले कोई ठाकुर बताने थे आज जो है ना ठीक दिन इसलिए नहीं मारे हम लोग। दोस्तों ये करेट साफ है कॉमन करेट कॉमन करेट थे दोस्तों ये करेट साफ है कॉमन करेट कॉमन करेट और इंडिया का सबसे जहरीला सांप ये कॉमन करेट साफ है और लोगों ने देख लिया इसे इस कारण ये दिख गया दोस्तों। ये बताते चले ये रात में ही निकलता है दोस्तों और अक्सर सोए हुए लोगों को अपना शिकार बना लेता है चुपचाप बिस्तर पर चढ़ जाता है। यहाँ पर ऊपर में आप लोग सोते भी थे तो समझ सकते हैं दोस्तों ये सांप यदि नीचे में था तो हो सकता था कि रात में यदि लोग सोए हुए रहते तो ऐसे में क्या है कि यह सांप ऊपर चढ़ जाता और मनुष्यों में सट जाता है और उसके बाद थोड़ी देर गर्मी लेने के दरमियान यदि अगर गलती से मनुष्य करवट ले लेते हैं तो यह सांप उन्हें काट बैठता है और लोगों की नींद में ही मौत हो जाती है। यह इंडिया का सबसे हाईली वेनमस सांप है दोस्तों। इसे हम लोग कॉमन करेट के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यह पूरा ब्लैक कलर का होता है और इसकी जीभ जो है गुलाबी कलर की होती है और यह बहुत एक्टिव सांप होता है बहुत खतरनाक सांप होता है दोस्तों। भारत देश में सबसे ज्यादा मौत इसी सांप के काटने से होती है तो हमेशा हमने अपने वीडियो में बताया है कभी भी आपको ये कोई भी सांप बाइट करे सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाएं तभी आपकी जान बचेगी। उस पर से भी अगर ये ऐसा सांप मिल जाता है दोस्तों तो समझ लीजिए आपको हॉस्पिटल ही जाना है अदरवाइज आपके कोई चांसेस नहीं रहेंगे बचने के। तो चलिए इसे अब हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। काफी देर सर्च करने के बाद हमें यह सांप दिखा है तो चलिए इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। इंडियाज मोस्ट वेनमस स्नेक कॉमन करेट डब्बा निकालिएगा। तो आइए साथियों अभी सांप को हम लोग रेस्क्यू करते देख सकते हैं कितना एक्टिव हो रहा है तो हम लोग बड़ी ही सावधानी से और बड़ी ही चतुराई से इस सांप को पकड़ेंगे डब्बे में बंद करेंगे। देख सकते हैं यह धीरे धीरे डब्बे में चला गया है तो फाइनली सांप को हमने बहुत अच्छी तरह रेस्क्यू कर लिया। इसे ले जाकर हम लोग फॉरेस्ट में पर्यावरण में रिलीज करेंगे। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से आज बच गई दोस्तों। ऐसा सांप यदि घर में रहता है तो जाने अनजाने इंसानों से संपर्क हो ही जाता है और स्नेक बाइट हो जाती है और अक्सर रात के समय में इसके जब सिम्टम्स दिखते हैं तो लोग समझते हैं भूत भभूत और उसके बाद दौड़ जाते हैं झाड़ फूक कराने और इस कारण क्या है समय व्यतीत हो जाता है जो डेढ़ दो घंटे
मिलते हैं सांप काटने के बाद वो आपके बर्बाद हो जाते हैं, और ऐसे में फिर हॉस्पिटल जाने के बाद भी आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है और लोगों की जान चली जाती है। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहें, कोई भी सांप दिखे, कोई भी स्नेक बाइट हो, सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाए, तभी आपकी जान बचेगी। तो उम्मीद है आपको रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।